हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर हैं वो फॉलोअर इंक्रीज तो ज़रूर हो रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से अनफॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अन हो रहे हैं तो इसमें क्या रीज़न है या फिर कैसे फॉलोअर को बढ़ाएं या फिर कैसे मेंटेन करें, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे अकाउंट दिखा दूँ फ्रेंड। ठीक है, तो आपके सामने ये अकाउंट जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, 13,000 के समथिंग आपको फॉलोअर मिल रहे हैं, 13,000 से ज़्यादा ही। ठीक है, पोस्ट इसमें इतने हैं ये। अब यहाँ पे बात कर ले फ्रेंड, यानी कि अकाउंट पे रीच कितनी है, व्यूज़ कितने हैं। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप देख रहे होगे तो यहाँ पे अभी तो ये बहुत कम है। ठीक है, अभी 4-5 लाख जा रहे थे लेकिन यहाँ पे 1.5-2 लाख है। ठीक है, व्यूज़ की बात कर ले फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने टॉप व्यूज़ लगा के रखे हैं तो आप ये देख सकते हो 2 मिलियन 1 मिलियन। ठीक है, नीचे अगर मैं नॉर्मल व्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख लो 10,000 15,000। ठीक है, हर 21,000 16,000, मतलब एक 20,000 35,000 लाख मिलियंस में भी गए हैं। तो ये एक ऑन एवरेज व्यूज़ थी लेकिन इधर भी से व्यूज़ कुछ डाउन हुआ है फ्रेंड। ठीक है, कुछ व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो ये डिपेंड करता है कभी कभी। ठीक है, ये सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला था फ्रेंड क्यों हो रहा है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अगर आप जाते हो फ्रेंड, तो मैं पहले दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो आप टोटल फॉलोअर दिख रहे होंगे, है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, इस पर क्लिक करते हो, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करो तो आपको ये देखने वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन आपको बता दूँ तो ओवरऑल फॉलोअर है। ठीक है, और यहाँ पे फॉलोज और यहाँ पे अनफॉलो, तो आप देख लो यहाँ पे डेली 19। ठीक है, इधर देख लो 15 11 10, इस तरह से आप ये देखोगे तो आपको अनफॉलो की काउंटिंग देखने को मिल जाएगी पर डे की फ्रेंड। तो यहाँ पे ये देख लो माइनस में भी हो जा रहा है, यानी जीरो से। क्या आपके भी फॉलोअर जीरो से कम हो गए, यानी माइनस में हो गए, या फिर डेली जितने अनफॉलोअर हैं उतने फॉलो नहीं हो रहे हैं? तो ये एक तरह से बहुत ही गलत है। ठीक है, इस टाइम ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है कि जितने फॉलो नहीं हो रहे हैं उससे ज़्यादा अनफॉलो हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या फ्रेंड, ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे आप अगर बचना चाहते हो तो सिंपल आपको करना क्या फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो मेरे व्यूज़ वगैरह, तो ये वीडियोज़ पे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, डेली व्यूज़ वीडियो अपलोड करते ही रहना है। ठीक है, अगर आप वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो आपके अनफॉलो होते होते बहुत ही कम हो जाएंगे अकाउंट पे फॉलोअर। ठीक है, तो अपने फॉलोअर को इंगेज करने के लिए आप वीडियोज़ डेली 2-3 मिनिमम 2 तो देने ही होंगे। अगर नहीं देते तो आपके ये फॉलोअर अनफॉलो ही होते जाएंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वो फॉलो कर देते हैं, बाद में अगर वो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अनफॉलो भी कर देते हैं, कुछ अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, फेक फॉलोअर भी होते हैं, तो ये इस तरह से होते हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड, आप वीडियोज़ पर ध्यान दो, आपके फॉलोअर मेंटेन हो जाएंगे, कभी वो घटता बढ़ता रहता है फ्रेंड। तो अगर आपकी आप ये कमेंट करके बताओ कि आपके अनफॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं, कितने हो रहे हैं, तो वीडियो में बात करते हैं। वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।